पाकिस्तान का असली चेहरा फिर एक बार सामने आ गया है। कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग इस इंसान को पीस का नोबेल प्राइज देने की बात कर रहे थे और अब पाकिस्तान ने भारतीयों के साथ बहुत ही टुच्ची हरकत कर दी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान ने क्यों इफ्तार पार्टी में भारतीयों का अपमान किया। इफ्तार पार्टी ड्रामा। मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता हर पड़ोसी देश को दिया गया था और पाकिस्तान को सिर्फ ठेंगा दिखाया गया, लेकिन पाकिस्तान इस बात से कुछ ज्यादा ही किलस गया। वहां इंडियन हाई कमीशन ने इस्लामाबाद के सेरेना होटल में बहुत ही आलिशान इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। पार्टी ऐसी कि देखने वाले देखते रह जाएं। दरअसल पार्टी इसलिए अच्छी थी क्योंकि इंडियन द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। वही पाकिस्तान में जहां अमरूद 500 रुपए किलो है और चिकन 1200 रुपए किलो है। आजकल पाकिस्तानी पार्टी तो छोड़ो, बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन करने के लिए भी 10 बार सोच रहा है। महंगाई के इस दौर में पाकिस्तान ऐसी पार्टी करने की सोच भी नहीं सकता था, तो वो लोग इस बात को कैसे बर्दाश्त कर लेते कि इंडियंस की हाई क्लास पार्टी चल रही है। जब उस पार्टी में भारतीय हाई कमीशन के मेहमान आना शुरू हुए तो उनकी बार बार तलाशी ली गई, जैसे वो कोई चोर उचक्के हों। जब वहां मौजूद इंडियंस ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। अब आप कह रहे होंगे कि पाकिस्तान ने ये तो बहुत छोटी हरकत कर दी है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा ये कोई छोटी हरकत नहीं है, मुझे इससे भी ज्यादा छोटी हरकत करनी है, मुझे पूरी दुनिया के सामने और ज्यादा गिरना है। जी हाँ, पाकिस्तान यही नहीं रुका, वहां आए मेहमानों की गाड़ियां तक उठवा ली। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने आईएमएफ का कर्जा उतारने के लिए अब चोरी चकारी भी शुरू कर दी है। अब ये गाड़ियां बेच के फंड रेस करेंगे। ये सब सुनने के बाद पूरी दुनिया ने एक ही बात कही कि पाकिस्तान और कितना जलील हो गए यार। पूरी दुनिया ने ये न्यूज देखी है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपनी इमेज और ज्यादा बर्बाद कर ली है। और अब मैं उन लोगों के ट्वीट का वेट कर रहा हूँ जो लोग ये कह रहे थे कि इस इंसान को नोबेल प्राइज ऑफ पीस से सम्मानित करना चाहिए। इमरान खान ने उस वक्त बोला था कि एज अ जेस्टर ऑफ पीस मैं अभिनंदन जी को रिहा कर दूंगा, लेकिन सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अगर रिहा नहीं करते तो इतना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला था। लेकिन उस वक्त लोगों ने इमरान खान को पीस का मसीहा बना के पेश किया, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान की ऐसी टुच्ची हरकतें रहीं तो इमरान खान को बाटली अवार्ड भी नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोगों को यूनाइट होना है। बाकी अगर आपको कोई भी न्यूज इंडिया के अगेंस्ट दिखे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आज 4000 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है आप कर देंगे। बाकी लास्ट टाइम फर्स्ट कमेंट इंडियन गेमिंग ने किया था, देखते हैं इस बार कौन करता है। बाकी मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा, आप मेरे वीडियोस देखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।